पीछे वाला जो पॉइंट है वो इतना ज्यादा है, पीछे वाले वीडियो में पूर्ण जनाधिकार का कर लिया, अब सापेक्ष जनाधिकार। पूर्ण जनाधिकार हमने क्या किया, उस क्षेत्र में संसाधन पाए जाते थे लेकिन संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के बाद वहां संसाधन की कमी आ गई। दूसरा है सापेक्ष जनाधिकार। सापेक्ष जनाधिकार जब किसी भी क्षेत्र विशेष में निवासी कुल जनसंख्या भरण पोषण के लिए वहां उत्पादित सभी वस्तुएं अपर्याप्त कम होती हैं, ऐसी स्थिति को सापेक्ष जनाधिकार कहलाता है। यानी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर वहां संसाधन नहीं पाए जाते हैं, फिर बहुत ही कम पाई जाने वाली जनसंख्या और जनसंख्या का पूर्ण रूप से उपयोग या उनका भरण पोषण नहीं कर पाते, भरण पोषण नहीं करने की स्थिति ये सापेक्ष जनाधिकार कहलाता है। और सापेक्ष जनाधिकार की स्थिति में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संपूर्ण संसाधनों का विधोन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर तकनीकी विकास नहीं होने के कारण उस क्षेत्र में संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। और लेकिन भविष्य में प्रौद्योगिक विकास होने पर संसाधनों के उपयोग और उत्पादन में वृद्धि की संभावना कायम रहती है। यानी पूर्ण जनाधिकार वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ संसाधन पूर्ण उपयोग हो जाता है और उसके बाद संसाधन की कमी आ जाती है जिनके कारण भविष्य में उसका विकास नहीं हो सकता। लेकिन सापेक्ष जनसंख्या की स्थिति है वहां पर सबसे बड़ी कमी है कि तकनीकी विकास की कमी के कारण उस क्षेत्र में संसाधन का विकास नहीं हो पाता, लेकिन भविष्य में तकनीकी विकास की दृष्टि से उस क्षेत्र में संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करके उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। क्लार्क मॉडल ने कहा कि सापेक्ष जनसंख्या आदि के संसाधनों में संतुलन की वह स्थिति जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है, उत्पादन स्तर को बढ़ाकर इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है। क्लार्क मॉडल ने कहा कि ये जो जनाधिकार की जो स्थिति वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र में सापेक्ष जो जनाधिकार वाली स्थिति में तकनीकी विकास करके उस क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं और भविष्य में इसका अधिक विकास होने की संभावनाएं बनी रहती है। वर्तमान समय में सापेक्ष जनाधिकार की स्थिति विश्व के उन छोटे छोटे विकासशील देशों में पाए जाते हैं जहां उत्पादन स्तर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में निम्न पाया जाता है। यानी सापेक्ष जनाधिकार में जो स्थिति है ये विकासशील देशों में जो छोटे छोटे देश हैं उनमें यह स्थिति सबसे अधिक पाई जाती है क्योंकि विकासशील होने के कारण उनके पास इतनी अधिक पूंजी नहीं होती है कि तकनीकी का विकास हो कर सके, जिस तरह से सापेक्ष जनाधिकार वाली स्थिति इन देशों में बनी रहती है। संपूर्ण देश है किसी देश के प्रदेश विशेष में पाई जाती है, किसी देश के एक प्रदेश विशेष में जनाधिकार स्थिति पाई जाती है जबकि संपूर्ण देश के अन्य भागों में जनसंख्या सामान्य हो सकती है। यानी सापेक्ष जो स्थिति वाला है ये पूर्ण देश में नहीं होगा, किसी भी देश के एक राज्य या किसी क्षेत्र विशेष में स्थिति हो सकती है कि एक क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है जिनके कारण उनका विकास नहीं हो रहा है, दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है जिनके कारण भी वहां पर जो संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है, इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। इसमें उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, चीन के पूर्वी भाग में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में, यानी भारत के ये जो स्थिति है ये भारत के उत्तरी मैदानों में, भारत के उत्तरी
मैदानों में पाए जाते हैं, चीन के पूर्वी भाग में, चीन के पूर्वी भाग में ये स्थिति पाई जाती है, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। इंडोनेशिया में मुख्य रूप से जावा द्वीप में, मुख्य रूप से जावा जो द्वीप है उस द्वीप में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। अब जनसंख्या अधिक है वो ग्रामीण एवं औद्योगिक जनसंख्या अधिक के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है, यानी जो जनाधिक्य की जो स्थिति है इस स्थिति को हम ग्रामीण, इस स्थिति को हम ग्रामीण व औद्योगिक जनसंख्या अधिक है, ग्रामीण व औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या आवश्यकता अधिक हो जाती है तो वह औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य की स्थिति कहलाएगी। इसके विपरीत जब ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या भार अधिक होता है तो वह ग्रामीण जनसंख्या का आधिक्य की स्थिति कहलाएगा, यानी ग्रामीण और औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य क्षेत्र ये भी जनाधिक्य के उदाहरण के अंतर्गत हैं। जब जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो जाती है और वहां पर जनसंख्या को पूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता और नए उस क्षेत्र के अधिक विकास होने के संभावना रहती है, क्योंकि वहां जो कार्य करने वाले जो मजदूर हैं उनका जो पेमेंट है उसमें भी कमी हो जाती है, क्योंकि सस्ते वहां पर मजदूर मिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या बढ़ जाने से भी ग्रामीण जनाधिक्य की स्थिति बन जाती है, जनाधिक्य की स्थिति बन जाती है। अब ग्रामीण जनाधिक्य के कारण कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। ग्रामीण जनाधिक्य के कारण यानी गांव में जनसंख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं उन कारणों का हम अध्ययन करेंगे। उनमें सर्वप्रथम है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी किसी भी ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ रही है तो उस गांव में जनाधिक्य की स्थिति बनेगी, और तीव्र जनसंख्या बढ़ने का जो प्रमुख कारण है उसमें मान सकते हैं साक्षरता में कमी, साक्षरता में कमी, यानी जिन क्षेत्रों में साक्षरता की कमी पाई जाती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है,
और जनसंख्या वर्धित अधिक होने के कारण उस क्षेत्र का विकास देखे नहीं हो पाता और उनके सामने मुख्य समस्या रह जाती है कि जनसंख्या अधिक होना। तो सर्वप्रथम ये तीव्र जनसंख्या जो वर्धित क्षेत्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख कारण है। दूसरा भूमि के क्षेत्रीय वितरण की असमानता, भूमि के क्षेत्रीय वितरण के असमानता, भूमि के क्षेत्रीय वितरण के असमानता, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि के जो वितरण है वो समान रूप से नहीं पाया जाता है और समान रूप से नहीं पाए जाने के कारण कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर उनका जनसंख्या अधिक बढ़ जाता है और अधिक बढ़ जाने के कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। फिर तीसरा मशीनीकरण कृषि, मशीनीकृत कृषि यानी कृषि के जो पद्धति के जो रूप हैं, प्राचीन काल में जब कृषि का विकास होता तो लोगों को क्या अधिक रोजगार मिलता था और बाद में क्या हुआ कि मशीनीकृत कृषि आने के कारण तो जनसंख्या का जो भार है उन पर बढ़ गया, लेकिन मशीनों में जब किसी भी क्षेत्र में अगर देखें मशीनों से जब कार्य करते हैं अगर 50 लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में, अगर वहां पर मशीनों से कार्य किया जाएगा मशीनों से तो वहां पर 10 व्यक्ति उस पर रहेंगे जिनके कारण वहां पर 50 माइनस 10 40 व्यक्ति वहां पर क्या हो जाएंगे बेरोजगार। यानी इस दृष्टि से हम देखते हैं तो मशीनीकृत कृषि के कारण उस क्षेत्र का विकास भी होता है लेकिन लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिल पाता है। इसके बाद एकृषि क्षेत्रों में कम विकसित होना, तीसरा चौथा है एकृषित क्षेत्रों का कम विकास, यानी एकृषि जो क्षेत्र है उनके कम विकास होने के कारण भी उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ता है। फिर कृषि के उत्पादन का निम्न स्तर, कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, यानी कृषि में जो उत्पादन होता है या उत्पादन का होता है वो बहुत ही कम उत्पादन पाए जाते हैं और कम उनका निम्न स्तर होने के कारण वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार भी नहीं मिलता और उनके भरण पोषण में भी काफी समस्याएं आती है। तो कृषि का उत्पादन है वो निम्न स्तर का पाया जाता है, निम्न स्तर का पाया जा रहा है उसमें क्या है नैरो ये जो उन्नत बीज या खाद उनका भी पूर्ण से उस क्षेत्र में उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद सामाजिक विकास का स्तर कमजोर, अब पांचवा नंबर है सामाजिक विकास का स्तर, सामाजिक विकास का स्तर कमजोर, यानी जो ग्रामीण जो क्षेत्र है तो सामाजिक स्तर जो विकास है वो भी कम पाया जाता है और जिनके कारण भी ग्रामीण जनादिक की स्थिति बन जाती है। फिर उसके बाद कृषि के उपयोग पर अधिकतम जनसंख्या निर्भर का अभाव, साधारण कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या जनसंख्या
निर्वहन का अभाव, निर्वहन का अभाव यानी कृषि के जो उपज है उसमें अधिकतर जनसंख्या निर्भर का अभाव पाया जाता है और उस अभाव की दृष्टि से भी वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब जनसंख्या के या जनाधि की स्थिति, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धि, उपलब्ध संसाधन उपयोग और नवीन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। यानी जनाधि की जो स्थिति है ये भी कुछ अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि की स्थिति वहां जनसंख्या वृद्धि की स्थिति किस रूप में पाई जाती है वो भी इसकी स्थिति को प्रभावित करता है। फिर संसाधनों की उपलब्धि, संसाधनों की उपलब्धि संसाधनों की उपलब्धि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग और नवीन प्रौद्योगिकी नवीन प्रौद्योगिकी यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति किस रूप में पाई जाती है उस दृष्टि से भी हम उस स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वह जनाधि की स्थिति है या नहीं। फिर संसाधनों की उपलब्धि, वहां पर जो संसाधन पाए जाते हैं वो संसाधन कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कितनी उनकी उपलब्धता है, उस उपलब्धता की दृष्टि से भी हम उसका विकास किस रूप में किया जाता है उसे भी पता लगा सकते हैं। फिर तीसरा है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, यानी वहां कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और उनका किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो इन संसाधनों का उपयोग करने पर। फिर है नवीन प्रौद्योगिकी, जो नवीन प्रौद्योगिकी दृष्टि से वहां पर जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का किस रूप में हम उपयोग करते हैं उस दृष्टि से भी हम इनका पता लगा सकते हैं कि संसाधन की पर्याप्त मात्रा में ये पाए जाते हैं या नहीं। अब इसके बाद है जनाभाव, जनाभाव या अलग जनसंख्या की अवधारणा या अलग जनसंख्या की अवधारणा, अलग जनसंख्या की अवधारणा यानी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत वहां जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों की तुलना में वहां जनसंख्या कम पाई जाती है, तो कम जनसंख्या पाए जाने का उसे जनाभाव या अलग जनसंख्या की अवधारणा वाला प्रदेश कहा जाता है।
अब जनाबों किसे उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधन की तुलना में कम हो। जनाभाव की स्थिति, जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, ऐसे प्रदेशों को हम अलग जनसंख्या वाला प्रदेश कहते हैं। जब किसी क्षेत्र या विषय में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यल्प या न्यून पाई जाती है तो ऐसी स्थिति को हम जनाभाव या न्यून जनसंख्या या जनाभावता के स्थिति वाले प्रदेश कहेंगे। अब जनाभाव वाले प्रदेश में संसाधनों को प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जनाभाव वाली स्थिति में यहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहां जनसंख्या कम होने के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, जिस कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, यानी संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन वहां जनसंख्या कम होने के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या या अधिक जनसंख्या पालन पोषण में सहायक हो सकते हैं। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या बढ़ाकर आर्थिक विकास किया जा सकता है, यानी ये प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बढ़ाकर उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, कम जनसंख्या होने के कारण उस क्षेत्र के जो जनसंख्या है वो संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे प्रदेश जहां पर जनसंख्या बढ़ाकर उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, उस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब क्लार्क ने कहा है कि जनाभाव वाले क्षेत्र में या क्षेत्रों में जनसंख्या का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता अथवा वहां संसाधन जीवन स्तर में कमी बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना ही बेहतर जनसंख्या पोषण करने में समर्थ होते हैं। जनाभाव की स्थिति को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, जनाभाव की स्थिति को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला इसमें पूर्ण जनाभाव, पूर्ण जनाभाव
और दो नंबर है इसका सापेक्ष धनाभाव, सापेक्ष धनाभाव जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है पूर्ण धनाभाव कहलाता है। जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधन जनसंख्या की तुलना में संसाधन अधिक पाए जाते हैं, संसाधन जनसंख्या की तुलना में अधिक पाए जाते हैं वह पूर्ण धनाभाव कहलाता है। वह पूर्ण धनाभाव कहलाता है। केंद्र में भी पूर्ण धनाभाव स्थिति यानी वह क्षेत्र या जहां पर संपूर्ण क्षेत्र में संसाधन जनसंख्या की तुलना में संसाधन अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं तुलना में अधिक पाए जाते हैं वह पूर्ण धनाभाव कहलाता है। दूसरा है सापेक्ष धनाभाव, सापेक्ष धनाभाव इसमें महामारी व अन्य प्राकृतिक महामारी व अन्य प्राकृतिक तथा कृत्रिम कारणों से किसी भी प्रदेश में अधिकांश धनाभाव की स्थिति पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इस प्रकार के धनाभाव की स्थिति वर्तमान समय में प्रेरित